नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनावों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया में ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला कुंडा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग से जुड़ा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग हुई है, जहां से जनसत्ता दल के राजा भैया उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और सबूत के तौर पर एक वीडियो ट्वीट कर कुंडा में हुए चुनाव को रद्द कराने की मांग की, जिसके बाद कुंडा से प्रत्याशी राजा भैया ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश के द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो 2019 के हरियाणा चुनाव का था। राजा भैया ने कहा कि राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीतिक नेता होने के नाते अखिलेश जी राजनीति में ऐसी नफरत अच्छी नहीं है। हालांकि बाद में अखिलेश ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। बता दें कि राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक हैं। पिछले चुनावों में राजा भैया को समाजवादी पार्टी का काफी समर्थन रहा है। पिछले 15 सालों से सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया था, लेकिन इस बार सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को कुंडा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि राजा भैया अब भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ दूसरे दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।